हेलो स्टूडेंट्स, आज नो आप टॉपिक है यूनिट नंबर 2, तो ह्यूमन रोबोट एनु प्रीटास्ट है। प्रीटास्ट नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश, एने विषय जो ये रीड द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ सम रोबोट्स, केटलाक रोबोट्स छे नीचे आपेला हशे, एने एक पछी एक चार रोबोट छे एना वीडियो आपणे जोशुं। नाम अने एना फंक्शन शुं छे ई आपणे जोशुं। पहेला वेला आवशे एनुं नाम आवशे, पछी व्हाट दे डू, ते शुं करे छे, अने फंक्शन, फंक्शन एटले के एना कार्यो शुं छे। पहेलो वेलो आपणो आजनो रोबोट विशेनी जानकारी छे ई ध मोली छे। मोली नामनो एक रोबोट छे, एना विशे जोईए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मेजरली डिसाइडेड बाय द फूड वी ईट, आपणे जे खोराक खाईए छीए, एवो खोराक खाईए छीए एना उपर आपणे लाइफनी क्वालिटी एटले के गुणवत्ता नक्की करी शकाय। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एटले के आधुनिक समयमां द पीपल वोन्ट टू ईट गुड फूड बट दे डू नॉट हेव टाइम टू कूक इट। आधुनिक समय में मणसों ने सारू फूड खाव है पण एने एनो रांधवा माटेनो कोई समय छे नहीं, धेम सेल्फ एटले पोतानी जाते। देरफोर एटले तेथी डॉक्टर मार्क ओलेनिक इन्वेंटेड एटले के शोध करी अ रोबोट देन कूक हेल्दी एंड टेस्टी फूड टू मेक लाइव हेपी। मार्क ओलेनिके एक एवा रोबोट नी शोध करी जे रांधी सके हेल्दी फूड अने टेस्टी फूड, आपने पोषक तत्वों थी भरपूर एवं फूड अने स्वादिष्ट फूड એવા એક રોબોટની એને શોધ કરી। રોબોટ કેન બી ઓપરેટેડ બાય અ સ્માર્ટફોન, એક સ્માર્ટફોનથી એને ઓપરેટ કરી શકાય છે। એન્ડ કુક ફૂડ ટુ બી સર્વડ एट योर कन्वीनियंट टाइम, એટલે તમારી અનુકૂળતાના સમયે, સાનુકૂળ સમયે આપને આપણું ફૂડ સર્વ કરી શકે, આપને પીરસી શકે એવો એક રોબોટની શોધ કરી છે। તો આ પહેલો વિડીયો હતો જી મોલી વિશે હતો, એમાં ઉપર એનો વિડીયો 707 40 છે, એ જોઈ લેવો। અને આ જે છે એ આટલું તમારે નોટબુકમાં યુનિટ નંબર 2 પહેલા લખી લેવું, મોલી એમ કરે રોબોટ। આના પછી નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે।